हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो स्प्लैश। गुड मॉर्निंग, मैं राजुल श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का ऑन अन अकेडमी स्टूडियो स्प्लैश। सो कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड और भी अच्छी बन सकती है यदि आप अन अकेडमी स्टूडियो स्प्लैश को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हमारी एंथुजियास्टिक टीम आपकी तैयारी को ट्रस्ट मी बहुत ही बेहतर बना रही है। ओके एंड आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण की बात करेंगे। दैट इज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो, पेपर अपन सॉल्व कर रहे थे प्रीलिम्स के, करेक्ट? आपने देखा होगा क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का कि बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखो, ये वाला जो पूरा हफ्ता है इसमें मैं ज्योग्राफी के ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठा रही हूँ जहाँ से जो क्वेश्चंस हैं एकदम बनने ही हैं, आने ही। जैसे कल अपन ने सक्सेसफुली रिवर्स कवर कर लिया, आज पूरी कोशिश रहेगी, ऑल दो मैं डेटा तो पूरा लेकर आई हूँ आपके लिए, आज पूरी कोशिश रहेगी कि हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरी कर लें, पर ऑल दो यदि कुछ पोर्शन छूट भी जाता है तो कल कवर करें। ओके एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से आते हैं? रिवर वैली प्रोजेक्ट से, मतलब नदी घाटी परियोजनाओं से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो रिवर वैली प्रोजेक्ट वाला जो पोर्शन है वो अपन कल कवर करेंगे। ओके अच्छा, देख लूँ कौन कौन आ जाए, जस्ट एक मिनट का टाइम देना। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं नोटिफिकेशन शेयर करना भूल गई, चलो अब वो भी आ जाएंगे। सो डन, शेयर हो गया। ओके सो कौन कौन आ चुका है भाई? अंकुश जी, गुड मॉर्निंग अंकुश जी, आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, आई कैन अंडरस्टैंड, सॉरी थोड़ा सा लेट हुआ है, बाकी हम ऑन टाइम है। रामकृष्ण जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनुज जी। प्रियंका जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पारुल जी। हेलो गुलशन जी, आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू? शिवम तिवारी जी गुड मॉर्निंग। चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बातचीत हो गई। अच्छा, कुछ नए लोग हैं तो मेरे बारे में जानकारी, भाई मेरा नाम राजुल श्रीवास्तव है और मंडे से संडे रोज़ आप मेरे साथ पढ़ते हो, 11 बजे मध्य प्रदेश का जीके, 2 बजे एमपीपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके, और 4 बजे हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें आज लास्ट डे है 2016 पेपर सॉल्व का, आज 2016 का पेपर ख़त्म हो जाएगा एमपीपीएससी का। ओके आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी लर्निंग ऐप के लिए, जिसके लिए सीधी सी बात है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके एमपीपीएससी और व्यापम गोल सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद राजू श्रीवास्तव सर्च करके फॉलो कर लेंगे। आपको क्या मिलेगा, तो आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी वहाँ पे। फॉलो करोगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाया करेगा। अब स्पेशल क्लास क्या है, तो देखो कल आपने मुझसे क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश की नदियाँ यानी मध्य प्रदेश की रिवर्स। अब मध्य प्रदेश की रिवर्स को मैप में कैसे लोकेट कर सकते हो, मैप की प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो उसके लिए आज शाम 5:30 बजे क्लास है, जल्दी जल्दी फॉलो कर लेना। 5:30 बजे फ्री क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, ओके इसमें ज़रूर आओ। बाकी मेरे दो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 16 दिसंबर से, रिवीजन कोर्स और टेस्ट सीरीज, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए राजुल लाइव कोड का इस्तेमाल करना है तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके चलो जी, वेलकम एवरीवन, जितने सारे लोग भी आ चुके हैं। सुरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग धीरज जी, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग राहुल जी। चलो भाई, बातचीत बहुत हो गई, अब बीच में किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे, टॉपिक खत्म होने के बाद फिर बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। अब सबसे पहले तो ये समझो कि राष्ट्रीय उद्यान क्या, राष्ट्रीय उद्यान, देखो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क होते क्या हैं, है ना? तो नेशनल पार्क क्या होते हैं, देखो एक बड़ा सा एरिया जो स्ट्रिक्टली रिजर्व हो, कैसा हो, संरक्षित हो, रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी, मतलब जो वन्य जीव है और जो वन्य जीवन है उसकी रक्षा के लिए उसकी एक्टिविटी बहुत बेहतर हो, उसके लिए एक रिजर्व्ड क्षेत्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक रिजर्व एरिया, उसे कहा जाता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में यानी कि नेशनल पार्क में क्या क्या होता है, जैसे हंटिंग, शिकार करना मना है, चारागाही मना है, आप वहाँ कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीज़ें परमिटेड नहीं होती हैं।
नेशनल पार्क की अलग एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, एक सीमा से संरक्षित एक क्षेत्र होता है। और भारत का, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कब बना था? तो ये बना था 1936 में। कब बना था लिख लो अपनी कॉपी में, 1936 में इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना था। नेम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और हैली नेशनल पार्क जो अब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपने समझ लिया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है। आप समझो थोड़ा सा कि सेंचुरी क्या होती है, यानी अभ्यारण क्या होते हैं। अब देखो नेशनल पार्क में हमने समझा कि स्ट्रिक्टली ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, लोग वहाँ पर आ जा नहीं सकते, मतलब टूरिज्म होता है पर आप वहाँ जाके रह नहीं सकते, आप शिकार नहीं कर सकते। एक ऐसा प्रेमिसेस जो बाउंड्रीज से क्लोज होता है, स्ट्रिक्टली सब कुछ मना होता है। अब सेंचुरीज समझो, सेंचुरीज ऐसे समझ सकते हो कि कुछ ऐसा जंगल वाला क्षेत्र जहाँ आबादियाँ भी रहती हैं, जहाँ वाइल्ड लाइफ भी है, लेकिन वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का संरक्षण हो रहा है। अब देखो सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य में लोग तो रह सकते हैं, कुछ लिमिटेड लोग रह सकते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रॉपर्टी पर जंगल की अपना अधिकार नहीं जमा सकते, वो जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। ओके और कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं तो वो कलेक्टर की मदद से और कंसल्टेशन, और जो चीफ होता है वाइल्ड लाइफ वार्डन का, उसकी मदद से डिस्कस करके ये मामले सुलझाए जा सकते हैं। ओके चलो समझ में आया। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है भाई। ये चीज़ें पहले देखो बेसिक समझ लो, आप लिस्ट ज़रूर रट लेते हो पर आप में से मैक्सिमम लोगों को डिफरेंस नहीं पता होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में आखिर अंतर क्या है। एक ही जैसे तो लगते हैं ना, तो देखो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस सिर्फ सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि जो सेंचुरीज होती हैं उनमें ह्यूमन एक्टिविटी, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, और नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली कोई नेशनल पार्क में रह नहीं सकता। ओके सो नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, पेपर में भी देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने जगह जगह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे होंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर। अब आप रट लेते हो कि हाँ सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ आया, ये स्टार्ट हो, वॉट इज प्रोजेक्ट टाइगर? ओके और नेशनल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब देखो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसे क्या कहा जाता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहा जाता है। और देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? एक इनिशिएटिव है, एक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, ताकि वो नेशनल एनिमल हमारा जो है, हमारा राष्ट्रीय पशु जो है टाइगर, उसकी उसका संरक्षण कर सके, उसकी रक्षा की जा सके। इसलिए स्टार्ट क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन हमेशा बनता है प्रीलिम्स में प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड, ये चीज़ बिल्कुल याद रखो कि प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले 1973 में लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ओके और अब ये पूरे देश में फैल चुका है प्रोजेक्ट टाइगर। और बिल्कुल सही लव्स इंडिया ओनली कि मध्य प्रदेश जो है अब दोबारा टाइगर स्टेट कहा जाने लगा है। इसके पहले 2014 तक मध्य प्रदेश हुआ करता था टाइगर स्टेट, लेकिन 2014 में जो टाइगर्स, नंबर ऑफ टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में, वो कम हो गए। ओके एंड अब उसके बाद क्या हुआ, 2014 के बाद कर्नाटक टाइगर स्टेट बन गया। लेकिन अब दोबारा जो रिपोर्ट आई है ओके उसके अनुसार दोबारा मध्य प्रदेश अब टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, एंड जो नंबर ऑफ टाइगर्स है वो 256 हो गया है, जबकि कर्नाटका में कितना है? 254 है। तो दो टाइगर से अपन आगे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश जो है अब दोबारा टाइगर स्टेट है। ओके चलो आगे बात करते हैं, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार इसका संचालन करती है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट
फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, वन मंत्रालय और क्लाइमेट चेंज, ये असिस्ट करती हैं टाइगर स्टेट्स को, प्रोजेक्ट टाइगर को, किसके लिए, कि जो टाइगर्स रह रहे हैं वहाँ पे उनका कंजर्वेशन हो सके. और द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे क्या कहा गया, NTCA, ये एक सैचुरी बॉडी है मिनिस्ट्री की यानी मंत्रालय की. ओके, और ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन पूरा करती है प्रोजेक्ट टाइगर में. कौन, NTCA, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. चलो अगला आगे बात करते हैं, कौन सी जगह है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत. तो बात यदि क्वेश्चन ऐसा आए कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में आया, तो वो है कान्हा केसली. और कान्हा केसली में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई. मंडला में है कान्हा केसली. कान्हा केसली के बाद पेंच 1992, जो कहाँ है, शिवनी छिंदवाड़ा. उसके बाद बांधवगढ़ 1993, जो कहाँ है, उमरिया कटनी. ओके, उसके बाद पन्ना. पन्ना में कब हुआ प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट, 1995, पन्ना और छतरपुर में है जो. सतपुड़ा, होशंगाबाद और संजय, मतलब सीधी. मैप में बिल्कुल पॉइंट आउट कराऊंगी लव्स इंडिया ओनली, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल क्लास अटेंड करनी होगी, क्योंकि मैपिंग का सारा काम मैं वहां पर करा रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन है. चलो, कान्हा केसली 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था कान्हा केसली में, मंडला में. और नंबर ऑफ टाइगर्स कितने एरिया में फैला हुआ है कान्हा केसली, 940. पहला नेशनल पार्क है 1955 में, और पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1974 में. बिगेस्ट नेशनल पार्क है एरिया वाइज. यदि क्वेश्चन बना कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेशनल पार्क है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो कौन सा है, कान्हा केसली. उसके बाद माधव नेशनल पार्क 1958 शिवपुरी में है, और 337 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है. ओके, और ये कहाँ पड़ता है, तो आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पे पड़ता है, जॉर्ज कास्टली. ओके, नेक्स्ट है बांधवगढ़. बांधवगढ़ 1968 में बना प्रोजेक्ट टाइगर, और उमरिया में है ये, और 437 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है. इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर इन 1993. अब उमरिया में जो बांधवगढ़ है वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब जुड़ा, 1993 में जुड़ा. अब यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 हिल्स से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क. ओके, एंड यदि घनत्व की बात करी जाए, यदि डेंसिटी की बात करी जाए, तो इंडिया का डेंसेस्ट नेशनल पार्क टाइगर की पॉपुलेशन में कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क. नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंच नेशनल पार्क. अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो प्रीलिम्स में, कि इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क जो है, या फिर इंदिरा गांधी जी के नाम से किस नेशनल पार्क का नाम रखा गया, तो आंसर आप दोगे पेंच नेशनल पार्क, जिसे कहा जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क. 1975 में ये शुरू हुआ. कहाँ पर है पेंच नेशनल पार्क, शिवनी में है. एरिया कितना है, 293 किलोमीटर्स. ओके, चलो, इंक्लूडेड प्रोजेक्ट टाइगर में कब ये इंक्लूड हुआ, तो ये हुआ था आपका 1975 में बना था. ओके, और मोगली लैंड भी इसे कहा जाता है, जंगल बुक तो सबने ही पढ़ा होगा, देखा होगा, तो मोगली बैंक भी इसे कहा जाता है. और वर्ल्ड बैंक सेंचुरी कंजर्वेशन स्कीम के अंतर्गत भी पेंच नेशनल पार्क जो है वो आता है. नेक्स्ट बात करेंगे वन विहार की. वन विहार कब बना, 1979 में बना. कहाँ पर है वन विहार, भोपाल में. और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेशनल पार्क है जो आबादी के बीचों बीच बना है, मतलब जो सिटी के बीचों बीच बना है, तो वो कौन सा आएगा, वन विहार, जो कब बना था, 1979 में बना था, भोपाल में है, 4.45 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, जिसे मॉडर्न जू के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं संजय नेशनल पार्क की. तो संजय नेशनल पार्क 1981 में बना, और ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है. संजय नेशनल पार्क कहाँ पर है, सीधी में है. और
यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है प्रीलिम्स का कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया, तो वो कौन सा है, वो है संजय नेशनल पार्क। अब देखो थोड़ा सा मैं आपसे समझ लूँ फटाफट कि देखो ये मान लो ऐसे लोकेशन कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो देखो ईस्ट में क्या आता है, यहाँ पर कहीं सीधी आता है ओके। और आप बात करो छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ आता है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ कहीं क्या फैला है, संजय नेशनल पार्क, तो इसलिए इसका कुछ हिस्सा कहाँ चला गया है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क 1981 में बना था, और पन्ना नेशनल पार्क भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है जो दो जिलों में फैला है, पन्ना और छतरपुर में। फिर फॉसिल नेशनल पार्क जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब बना है, 1983 में बना है। और फॉसिल रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल नहीं है अभिमन्यु जी, मैंने ये कहा है कि आज मैं पढ़ाने के बाद बातचीत करूंगी ओके। ऑल राइट, सो बात कर रहे हैं हम फॉसिल नेशनल पार्क की, इसकी बात कर रहे हैं फॉसिल नेशनल पार्क की, डिंडोरी में है फॉसिल नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश का यदि क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल लिख लो इसको, यदि क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है एरिया वाइज, तो वो कौन सा है, फॉसिल नेशनल पार्क। और टोटल भारत में 4 फॉसिल नेशनल पार्क है मुख्य, मतलब 4 मुख्य जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से एक कौन सा है, डिंडोरी का फॉसिल नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे सतपुड़ा की, इसकी सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये कब बना, 1983 में बना, और ये भी आता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। अब सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो भाई ये होशंगाबाद में है, और हाईएस्ट ब्लैक बक पॉपुलेशन, मतलब कि कृष्ण मृग, क्वेश्चन यदि आया कि कृष्ण मृग यानी ब्लैक बक सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे, तो मिलेंगे सतपुड़ा नेशनल पार्क में ओके। चलो नेक्स्ट बात करेंगे बाघ फॉसिल ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क कब बना है, 2004 में बना है, और कहाँ पर बना है, खंडवा में। बाघ फॉसिल नेशनल पार्क 2010 में बना है, किधर बना है ये, तो ये बना है धार में। और डायनासोर फॉसिल, डायनासोर के जीवाश्म भी यहाँ पर मिले हैं किसमें, बाघ फॉसिल पार्क में। चलो इस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, देखो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जितने नेशनल पार्क आते थे वो अब हमने कवर कर लिए। अब क्या करेंगे, देखो ऐसे तो बहुत सारे हम, लेकिन सेपरेटली पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क को। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान यानी कान्हा केसली की बात। तो कान्हा केसली सबसे पहले तो 1955 में हलोन और बंजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मर्ज किया गया, कब, 1955 में। और इसको क्या माना जाता है, तो ये बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क है एशिया का। ये बिल्कुल नोट डाउन कर लो, मैं अंडरलाइन भी कर लेती हूँ कि एशिया का बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क कौन सा है, कान्हा केसली। और कान्हा केसली टाइगर रिजर्व, अब कान्हा केसली टाइगर रिजर्व कब शुरू हुआ था, 1973 में हुआ था। और ये माना जाता है कि सेकंड नेशनल पार्क है ये इंडिया का, जिम कॉर्बेट तो हमने पढ़ा था उत्तराखंड में, जो ये पहला नेशनल पार्क है भारत का, और उसके बाद दूसरा नेशनल पार्क जो है वो है कान्हा केसली ओके। चलो जी ग्रेट, अगली बात करते हैं, आगे थोड़ा सा और समझते हैं। तो कान्हा केसली कहाँ पर है, मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मंडला और बालाघाट जिलों में है। इट लाइज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन सतपुड़ा माइकाल रेंज। अब यदि क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जो सतपुड़ा और माइकाल रेंज के पास आता है, तो वो कौन सा है भाई, कान्हा केसली है ओके। टाइगर रिजर्व कितने एरिया में फैला है, 1949 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ओके, जिसको क्या कहा जाता है, बफर जोन ऑफ कान्हा रिजर्व। अब कान्हा इज बेस्ट नोन एज हैबिटेट ऑफ टाइगर, मतलब टाइगर्स के लिए ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हार्ड ग्राउंड, बारासिंगा, ब्रैडरी स्पीशीज, ये सारी चीजें यहाँ की
विशेषता है। अभिमन्यु जी देखिए टॉपिक बड़ा है और यदि मैं बातचीत करूंगी तो मैं टॉपिक कैसे पढ़ा पाऊंगी, आप लोग कृपया इंतजार करें, अपने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेशन के एंड में मुझे पोस्ट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आंसर करूंगी। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम माधव नेशनल पार्क की। किसकी बात कर रहे हैं हम? माधव नेशनल पार्क की। अब भाई माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ओके एंड इसको रॉयल हंटिंग रिजर्व ऑफ महाराजा ऑफ ग्वालियर। अब देखो महाराजा जो हुआ करते थे ग्वालियर के, वो शिकार करा करते थे और बाद में आगे जाके उसे माधव नेशनल पार्क बना दिया गया। ओके 1918 में श्री माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर के, उन्होंने मनिहार रिवर पर एक डैम बनाया, उसका नाम क्या रखा? शाख्या सागर। एंड इन्होंने क्या करा है, बहुत लार्ज वाटर बॉडीज भी बनाई है जो इस पार्क को सपोर्ट करती हैं। आर्टिफिशियल लेक बनाई है शाख्या सागर, और शाख्या सागर इसलिए मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी भी प्रजातियाँ हैं, उनके लिए पानी का जो काम है वो ये कराती है आर्टिफिशियल लेक शाख्या सागर। ओके डेमोसाइज क्रेन, स्पोटबिल, पेकिम्स, स्पूनबिल्स, बेयरहेड गेस, शोवर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मेजॉरिटी में मिलती हैं। दो लेक हैं यहाँ पर, कहाँ पर? माधव नेशनल पार्क में, जो कि फिश और फौना उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। ओके और आप इस पार्क में कभी भी एंट्री ले सकते हैं, पूरे साल के अंतर्गत कभी भी एंट्री आप ले सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम, बात करेंगे अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। किसकी? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो प्रिलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जो विंध्य माउंटेन रेंज के ऊपर फैला हुआ है, तो वो कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? उमरिया में है और ये फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश के। एंड जिनको फॉरेस्ट डिवीजन के बारे में नहीं पता है वो बिल्कुल मेरा जो सेशन है वो देख सकते हैं। ओके चलो इट वाज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब ऐड हुआ था? 1993 में ऐड हुआ था। ओके विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन इंडिया। और क्वेश्चन एक और बन सकता है प्रिलिम्स में कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर टाइगर डेंसिटी, या फिर भारत का वो कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर्स का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा है, तो वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। 1968 तक ये प्राइवेट हुआ करता था, बघेला रूलर्स के अंतर्गत आता था रीवा डिस्ट्रिक्ट के, और उसके बाद फिर 1993 में ये कहाँ आ गया? केंद्र के अंतर्गत आ गया। राम नारायण गुप्ता जी, क्लास जो है 11 बजे से होती है मध्य प्रदेश के जीके की। ओके चलो ठीक है। एंड लव्स इंडिया ओनली बोल रहे हैं, इमेज क्रिएट हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए पर पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में बहुत टाइम कम बचा है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए, इधर पर नेशनल पार्क पढ़िए और स्पेशल क्लासेस में आप मैपिंग कर लीजिए। ओके चलो ये माना जाता है, तो ये सारी चीजें समझ गए, ये माना जाता है कि भारत के पहले व्हाइट टाइगर, सफेद शेर कहाँ पाए गए थे? बांधवगढ़ में पाए गए थे, जिसके कारण इसे व्हाइट टाइगर कंट्री भी कहा जाता है, सफेद शेरों का देश भी कहा जाता है। लास्ट नोन वॉज कैप्चर्ड बाय महाराजा मार्तंड सिंह इन 1951। अब लास्ट सफेद शेर इनके द्वारा कैप्चर करा गया था, तो 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा किया गया था। जो व्हाइट टाइगर मोहन है वो भी यहाँ पर ही है। ओके और यदि क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से बन सकता है कि व्हाइट टाइगर मोहन किस नेशनल पार्क में है, तो उसका आंसर क्या है? बांधवगढ़। ओके चलो गुड मॉर्निंग आशा जी, बातचीत हो जाए क्या बीच में? चलिए ठीक है। नहीं भाई लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से बातचीत करी तो मुझे किसी कुछ लोगों ने कहा कि मैम प्लीज़ आप पढ़ा दें, बातचीत मत करा करें। चलो तो गुड मॉर्निंग, डाउट बीच में किसी का था क्या? बिल्कुल सही लव्स इंडिया ओनली। चलो
नेशनल पार्क कौन संचालित करता है? आरजे पंकज जी, नेशनल पार्क केंद्र संचालित करता है। बिल्कुल, लव्स इंडिया ओनली। अब मध्य प्रदेश दोबारा टाइगर स्टेट है। आरजे पंकज जी का आंसर तो मैंने दे दिया था, मैप में पॉइंट आउट बिल्कुल करा दूंगी। सेम क्वेश्चन, ऑल राइट। कमेंट दिख रहे हैं ना, अभी विजिबल है ना? चलो, कोई डाउट नहीं ना, मतलब क्लियर। ओके, चलो आप स्टार्ट करते हैं हम। ऑल राइट, सो लव्स इंडिया ओनली, आपका नाम नीरज है, चलो ठीक है। बात करते हैं हम पेंच नेशनल पार्क की। अब फोर्थ नेशनल पार्क कौन सा है? पेंच नेशनल पार्क। और देखो भाई, यहाँ से लिख लो, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी, मतलब सीधी सी बात है कि इंदिरा गांधी जी के नाम से या इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है? तो आप बिल्कुल आंसर करोगे पेंच नेशनल पार्क। इट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ रिवर पेंच। एक तो पेच रिवर के नाम पे नाम रखा गया है, और ये कहाँ पर आता है? तो सतपुड़ा जो हिल्स हैं उसके साउथ में आता है। क्या? पेच नेशनल पार्क। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब आया है? 1992 में पेच नेशनल पार्क में क्या आया है? प्रोजेक्ट टाइगर आया है। गुड मॉर्निंग दीपेश जी। 2002 में जो नाम है पेच नेशनल पार्क का, वो बदल के क्या रख दिया गया? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो ये ईयर नोट कर लो भाई, 2002 में पेंच नेशनल पार्क का नाम बदल कर रख दिया गया है इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क। ओके, वाइल नेम ऑफ पेंच सेंचुरी, और जो पेंच सेंचुरी है, एक पेंच अभ्यारण है और एक पेंच नेशनल पार्क है। तो जो पेंच अभ्यारण है, सेंचुरी है, उसका नाम बदल के रख दिया गया है मोगली पेंच सेंचुरी। ओके, और ये माना जाता है कि जो पेंच है, इसी ने इंस्पायर्ड करा था रॉडयार्ड क्रिपलिंग को बुक लिखने पे, जंगल बुक। अब जंगल बुक तो आपने सभी ने सुना होगा, कार्टून सीरीज भी देखी होगी, एनिमेटेड सीरीज, मोगली की स्टोरी पे बेस्ड है। ओके, और ये जो स्टोरी है कहाँ की है? पेंच नेशनल पार्क की है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो जंगल बुक है वो किसने लिखी थी? रॉडयार्ड किपलिंग ने लिखी। ओके, तो ये जो मैं पॉइंट अलग से बताती हूँ यार, प्लीज उसको नोट कर लिया करो आप। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम वन विहार की। इसकी बात कर रहे हैं वन विहार की। तो वन विहार तो एक यूनिक नेशनल पार्क है भाई, भोपाल में है और अधिकतर लोग वहां गए होंगे। यहाँ पे वैरायटी ऑफ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, ओके, एक साथ आपको मिलेंगे नेचुरल हैबिटेट, और बहुत ही अच्छा मैनेज है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे है, जू मैनेजमेंट पे, और बेसिकली इसे जू भी कहा जाता है। जो एनिमल रहते हैं वो लार्ज इंक्लोजर्स में है, मतलब जो बाउंड्री लाइंस जो हैं वन विहार की, वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। फ्री रेंजिंग एरियाज हैं एनिमल्स के लिए। और कौन से जानवर मिल सकते हैं यहाँ पे? वीकली जाते रहते हैं गुलशन जी, बढ़िया बात है। ओके, तो कौन से एनिमल्स? जैसे चीतल, सांभर, ब्लैक बक यानी कृष्ण मृग, ब्लू बुल, चौसिंघा, कॉमन लंगूर, रेसेस मंकी, पॉक्यूपाइन, हेयर एक्सेट्रा, ये सारे जानवर। इसको हाउस ऑफ घड़ियाल क्रोकोडाइल, जो घड़ियाल क्रोकोडाइल रहते हैं, टर्टल रहते हैं, मतलब उनका घर भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर सांप बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। ओके, सो स्नेक स्पीशीज भी मिलेगी। और जो अपर लेक है भोपाल का, साउथ वेस्ट बाउंड्री बनाता है और अट्रैक्ट करता है बहुत सारी बर्ड्स को। अपर लेक होने के कारण बहुत सारे पक्षी, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो अभी आप वहाँ पर देखोगे कि जो अपर लेक है ना, उस तरफ बहुत सारे पक्षी आते हैं। ओके, बिल्कुल गुलशन जी, बिल्कुल विजिट करूंगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं संजय नेशनल पार्क की। ओके, नीरज जी पूछ रहे हैं मेरे सिटी में क्या फेमस है। तो देखो, जब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पढ़ाऊंगी ना, जब मैं डिविजन्स पढ़ा रही होंगी, सो जब मैं डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगी तब मैं दमो पढ़ा दूंगी तो स्पेशलिटी पढ़ा दूंगी। ओके, चलो बात कर रहे हैं अब हम संजय नेशनल पार्क की।
तो संजय नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है, बीच में कुछ लोग बोल रहे होंगे संजय डबरी, तो संजय डबरी नेशनल पार्क कहाँ पर आता है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और बेसिकली ये मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे साल के वृक्ष, ओके, जिसे जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोरिया रुबस्ता, ये बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना। देखो ये बायोलॉजी में जो मेडिसिनल प्लांट्स एक क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं, तो साल का तो एकदम याद रख लेना कि साल का क्या है, सोरिया रुबस्ता, ओके। जो फॉरेस्ट एरिया है संजय डबरी में वाइल्ड कोरिंडर, ये कनेक्ट करता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क को और पलामू टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। संजय नेशनल पार्क जो है अपनी फॉरेस्ट को गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ शेयर करता है। यदि क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेशनल पार्क है जो अपनी जो उसके वनों को गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ शेयर करता है, तो आंसर क्या आएगा, संजय नेशनल पार्क, ओके। राम नारायण जी, मेरा नाम राजू श्रीवास्तव है। चलो, विच फॉल्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पन्ना नेशनल पार्क की, तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है, ऑब्वियसली बात है नाम में पन्ना है, तो पन्ना में तो बिल्कुल होगा, साथ में छतरपुर में है, ओके। और ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कब आया, तो 1994 में आया, सिर्फ 25 किलोमीटर दूर यहाँ से खजुराहो है, और खजुराहो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जिनको जानना है, मेरा लेक्चर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। जो पार्क है यहाँ पे इंडियन स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स जैसे मगर आपको मिलेगा, लॉन्ग स्नॉट घड़ियाल मिलेंगे, तो घड़ियाल पता है ना क्या होते हैं, केन नदी में बहते हुए, केन नदी भी यहाँ से बहती है, ओके। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अब हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यानी फॉसिल नेशनल पार्क की, और फॉसिल नेशनल पार्क को क्या कहा जाता है, घुघुआ फॉसिल पार्क कहा जाता है। ये कहाँ पर है, डिंडोरी में है। जब भी जीवाश्म सुनोगे, फॉसिल सुनोगे, तो क्या मार्क करोगे आप लोग, डिंडोरी, ओके। ये कहाँ पर है, तो ये कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीचों बीच आता है। यहाँ पर जीवाश्म की मात्रा अधिक मिलती है, और 60 मिलियन ईयर्स पुराने आपको जीवाश्म यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। एंड घुघुआ जो है ये मेन साइट है फॉसिल की, और अदर साइट कौन सी, उमरिया, सिलचर, द्योरी खुर्द और बारावसपुर, ठीक है, ये अलग अलग साइट्स हैं। ये बहुत रिच है, यहाँ पे फॉसिल्स बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे, और क्वार्ट्ज स्टोन्स मिलते हैं, हाइफेन सीन्स मिलते हैं घुघुआ, वैरायटी ऑफ स्टिल जो है अलग अलग चीजें मिलती हैं, और ओल्ड सिविलाइजेशन जो पुरातात्विक सभ्यता है उसके अवशेष यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए जो है जीवाश्म नेशनल पार्क के बारे में हमने बात करी। चलो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं भाई, फॉसिल के बाद हम बात करेंगे सतपुड़ा नेशनल पार्क की। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो ये बनेगा कि सतपुड़ा नेशनल पार्क है कहाँ पे, होशंगाबाद में है, बेसिकली पचमढ़ी में है, लेकिन पचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये क्या है, होशंगाबाद, ओके। और बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर, ओके, मध्य प्रदेश में कुल 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे पहला पचमढ़ी वाला है। इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व एडजॉइंस पचमढ़ी एंड बोरी सेंचुरी। अब यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है जो पचमढ़ी और बोरी सेंचुरी को जोड़ता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर ले, सतपुड़ा नेशनल पार्क है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, एंड ये 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी 3 यूनिट हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 पार्ट हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के, ओके, क्लियर। चलो अगली बात करते हैं अब हम ओंकारेश्वर नेशनल पार्क की। किसकी, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। तो देखो
ओंकारेश्वर नेशनल पार्क जो है ये रिसेंटली ओपन हुआ है। अब यदि प्रीलिम्स में प्रश्न आया कि मध्य प्रदेश का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है, क्या आंसर करोगे जल्दी बताओ, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। ओके, एंड जो फॉरेस्ट है इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर वो कहाँ पर है? अब देखो ओंकारेश्वर नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो ये है खंडवा में। ओके, टीम वीरेंद्र जी जय हिंद, बिल्कुल सही अंकुश जी। आ 40,332 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। ओके, जो किसको जोड़ता है, इंदिरा सागर रिजर्वियर को जोड़ता है, समझ गए। नेक्स्ट आपको याद रखनी है जो बातें, वो बातें याद रखनी है आपको बाघ फॉसिल पार्क के बारे में। नेशनल डायनासोर फॉसिल पार्क भी कहा जाता है इसे, और ये कहाँ पर है, तो ये है धार डिस्ट्रिक्ट। ओके, और जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, फादर ऑफ फॉसिल कहे जाते हैं, फॉसिल स्टडीज के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर अशोक सैनी मध्य प्रदेश से थे, और इन्होंने बताया है कि ये जो फॉसिल नेशनल पार्क है ये डायनासोर के यहाँ पर ढेर सारे अवशेष मिले हुए हैं। तो एक और फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का कौन सा है, बाघ फॉसिल नेशनल पार्क। तो देखो यदि क्वेश्चन आया अकेला फॉसिल नेशनल पार्क के बारे में तो क्या मार्क करोगे, डिडोरी, और यदि पूछा जाता है कि बाघ फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर या डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, वो है धार में। देखो एग्जाम ओरिएंटेड जितना इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ से पूछा जा सकता है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लेंगे ना तो ये टॉपिक ऐसे हैं देखिए कि आप 2-3 दिन में भी नहीं ख़त्म कर पाओगे। इसलिए जहाँ जहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, जहाँ से एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल उतना पढ़ा रही हूँ मैं। ओके दीपेश जी, ये चीज़ें मैं सेशन के स्टार्टिंग में पढ़ा चुकी हूँ, आप सेशन ख़त्म होने के बाद एक बार शुरू से देख लीजिएगा। मैंने एक चीज़ का अंतर बताया है कि नेशनल पार्क होता क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ओके चलो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क थे वो हम कवर कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की मध्य प्रदेश के, यानी मध्य प्रदेश के जो अभ्यारण्य हैं, क्या हैं, अभ्यारण्य। तो अब हम अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं, और बिल्कुल सेशन के एंड में हम प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट भी डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ से क्या क्या फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स के। अनिल जी गुड मॉर्निंग, काफ़ी लेट हैं आप। चल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सबसे पहले तो देखो, 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में, जल्दी जल्दी नाम पढ़ देती हूँ। देखो सैलाना खरमौर के लिए फेमस है, खरमौर पक्षी के लिए फेमस कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो है सैलाना अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है, तो ये है रतलाम में। गांधी सागर कहाँ पर है, मंदसौर में। बगदारा कहाँ पर है, सिंध में, सीधी में। ओके, संजय डुबरी ये कहाँ पर है, सीधी में। सोन एलिगेटर ये कहाँ पर है, सीधी शहडोल में। पानीपथा ये कहाँ पर है, शहडोल में। केन कहाँ पे है, पन्ना और छतरपुर में है। गंगऊ ये कहाँ पे है, पन्ना में है। ओके, क्यूनी कहाँ पे है, देवास सीहोर में। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। नौरादेही सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है, नौरादेही, और ये कहाँ पर है, सागर में है, बिगेस्ट है ये याद रखना एकदम। ओके, कुनू पालनपुर शिवपुर में है। पेंच शिवनी छिंदवाड़ा में है। रातापानी जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है ये कहाँ पे है, रायसेन में है। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनेंगे कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बस इतना ही पूछा जा सकता है। एमपीजी के प्रीलिम्स की क्लास 11 बजे से 12 बजे तक होती है रोज। ओके, सिद्धौरी रायसेन में है। सरदारपुर ये खरमौर के लिए फेमस है, सरदारपुर और सैलाना। क्वेश्चन ऐसा बनेगा यहाँ से प्रीलिम्स में कि खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए अभ्यारण मध्य प्रदेश का कौन सा है, आप दोनों मार्क करोगे यदि दोनों ऑप्शन में है, एक तो सैलाना जो कहाँ पे है रतलाम में है, और दूसरा सरदारपुर जो कहाँ पे है धार में है।
आप ये सारे फैक्ट्स कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, इम्पोर्टेंट याद रखना, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। चलो एक काम करते हैं, कल के सेशन में 12 बजे